हे हे हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अवतल दर्पण के लिए सूत्र। तो अवतल दर्पण के लिए हम सूत्र को आज इस वीडियो में निकालने वाले हैं। तो दोस्तों जो एग्जाम में क्वेश्चन उठता है वो होता है अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन कीजिए या गोलीय दर्पण के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। तो हम कैसे निगमन करेंगे, चलो हम समझते हैं। निगमन में हम सबसे पहले चित्र को बनाएंगे और चित्र को हम बहुत ही साफ और सुंदर बनाएंगे, क्योंकि जो हमारा चित्र है इसी पर सारा डेरिवेशन आधारित है। तो हमारे चित्र का मेंटेन होना बहुत ही आवश्यक है। तो कैसे बनाएंगे चलो जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम दर्पण, अवतल दर्पण को M1 और M2 को बना लेंगे। इसके बाद में एक मुख्य अक्ष को खींच लेंगे और उस पर ध्रुव P, फोकस बिंदु F और वक्रता केंद्र C को दर्शा देंगे। अब इस प्रकार हमारा अवतल दर्पण तैयार। अब हम एक वस्तु को C के इस तरफ रखेंगे, OO' को, और प्रतिबिंब बना लेंगे। तो कैसे प्रतिबिंब बनाते हैं ये तो आप जानते हो। तो सबसे पहले हम एक प्रकाश की किरण इसके ऊपरी भाग से लेकर जाएंगे मुख्य अक्ष के समांतर, और जिस बिंदु पर दर्पण के टकराएगी उसे हम मान लेंगे A। और इसके बाद में हम ये जानते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह दर्पण से टकराने के बाद फोकस बिंदु से होकर चली जाती है। तो ये हमारी प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर चली गई। अब इसके हम डायरेक्शन को दिखा देंगे, ये हो गया। इसके बाद में हम एक प्रकाश की किरण इसके ऊपरी सिरा से होते हुए वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण तक पहुंचाएंगे, और जब दर्पण पर जिस बिंदु पर पहुंचेगी उसको हम B मान लेंगे। और हम जानते हैं जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वह जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग से वापस हो जाती है। तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद में हमारा ये दोनों जो काट रहे हैं यहीं पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ से हम मुख्य अक्ष तक एक लाइन खींच लेंगे और इसको हम नाम दे देंगे II'। इस प्रकार से हमारा चित्र तैयार हो जाएगा। हाँ दोस्तों, चित्र में बहुत ही ज़्यादा रेजर का यूज ना करें, क्योंकि इससे आपका जो चित्र है वो गंदा हो जाएगा, तो एग्जाम में भी आपको दिक्कत होगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा चित्र। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और आगे हमें क्या करना है कि ध्रुव P से वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या को हम इसके चिन्ह सहित ले लेंगे। अब यहाँ पर चिन्ह की बात आई है, तो यहाँ पर चिन्ह कहाँ पर माइनस होगी, कहाँ पर प्लस होगी। तो दोस्तों आपतित किरण के विपरीत दिशा में यदि दूरी को मापी गई है तो उसे हम माइनस में लिखेंगे, और अगर आपतित किरण के दिशा में मापी गई है तो उसे हम प्लस लिखेंगे। तो दोस्तों ये हो गया। अब इसके बाद में हम वस्तु के दूरी को ध्रुव P से, वस्तु के दूरी को हम U से लिखेंगे, और प्रतिबिंब के दूरी को B से लिखेंगे, और उसके बाद में वक्रता त्रिज्या को तो R से ही लिखते हैं और फोकस दूरी को F से लिखते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर PO बराबर माइनस ही लिखा गया है। तो दोस्तों P से लेकर O की दूरी, अब देखो ये आपतित किरण के विपरीत दिशा में हम मापे हैं तो इसको हम लिख देंगे -U। अब इसके बाद में हम इसे यहाँ पर लिखा है PI बराबर -D लिखा है। तो दोस्तों P से लेकर I, अब ये भी हम आपतित किरण के विपरीत दिशा में माप रहे हैं, तो P से I यानी कि प्रतिबिंब की दूरी को भी हम -B से लिख लेंगे। अब इसके बाद में हम वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी, तो वक्रता त्रिज्या को भी हम आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापेंगे तो इसको हम -R लिख लेंगे, यानी कि PC बराबर -R हो गया यहाँ पर। अब दोस्तों इसके बाद में फोकस दूरी PF, इसको भी हम लिख लेंगे PF बराबर -F। तो ये हो गया हमारा चिन्ह सहित यहाँ पर जो दूरियां। अब इसके बाद में हमने यहाँ पर लिखा, चूंकि त्रिभुज OO'C तथा त्रिभुज CI'I समकोणिक है, तो हम अपने चित्र पर आते हैं। OO'C और CI'I ये दोनों समकोणिक हैं और समकोणिक के साथ साथ समरूप हैं। तो जब दो त्रिभुजें समरूप होती हैं तो उनके लंबों के अनुपात के बराबर हम उनके आधार का अनुपात लिख सकते हैं, यानी कि OO' बटा II' बराबर CO बटा IC हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया OO' बटा II' बराबर CO बटा IC, और इसको हमने समीकरण नंबर 1 बना लिया। अब इसी प्रकार त्रिभुज II'F तथा ANF समकोणिक है, तो हमने यहाँ पर देखो, यहाँ पर II'F और ANF ये दोनों समकोणिक और समरूप दोनों हैं। तो अभी हमने बताया है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके लंबों के अनुपात के बराबर उनके आधार का अनुपात लिख सकते हैं, यानी कि AN बटा II' बराबर NF बटा IF लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया NA बटा II' बराबर NF बटा FI, और ये हो गया। अब इसके बाद में परंतु NA बराबर OO'। अब हमारा जो N से A के बीच की दूरी है ये O और O यानी वस्तु के दूरी के बराबर है, तो हम यहाँ पर इसको लिख दिए NA बराबर OO'। अब NA बराबर OO' है, इसलिए हम जहाँ ये NA है, NA के स्थान पर हम OO' लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर OO'
बटा आई आई डैश बराबर एन एफ बटा एफ आई लिख लिया और बराबर और मतलब इक्वेशन नंबर सेकेंड बना लिया। तो अब दोस्तों हम समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकेंड से, तो समीकरण फर्स्ट में क्या लिखा है, ओ ओ डैश बटा आई आई डैश का मान दिया गया है और यहाँ समीकरण सेकेंड में भी ओ ओ डैश बटा आई आई डैश का मान दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इस ओ ओ डैश बटे आई आई डैश के स्थान पर हम सी ओ बटा आई सी लिख देंगे। तो हमने यहाँ पर सी ओ बटा आई सी बराबर एन एफ बटा एफ आई लिख दिया। इसके बाद में माना ए बिंदु पी के समीप है, तब अब जो ये ए है ये पी के समीप है, तो जब ए पी के समीप होगा तो यन भी पी के बहुत ज़्यादा समीप होगा और जो दूरी थोड़ी होगी उसको हम नगण्य मान लेंगे और लिख देंगे एन एफ बराबर पी एफ। तो हमने यहाँ लिख दिया एन एफ बराबर पी एफ और इस एन एफ बराबर पी एफ, तो यहाँ पर एन एफ लिखा तो इस एन एफ के स्थान पर हम ये पी एफ लिख देंगे। तो हमने यहाँ पर सी ओ बटा आई सी बराबर पी एफ यानी एन एफ के स्थान पर हमने पी एफ लिख दिया और पी एफ बराबर एफ आई लिख दिया। अब इसके बाद में सी ओ, अब सी ओ के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, हम चित्र में आते हैं, सी ओ यानी इस दूरी को, यानी इस दूरी की बात की जा रही, तो इस दूरी को हम बराबर लिख सकते हैं पी ओ यानी पी ओ में से पी सी को हम घटा दें तो सी ओ मतलब मिल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं पी ओ माइनस पी सी, तो पी ओ माइनस पी सी हमने लिख दिया। अब यहाँ पर आई सी, अब आई सी के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, आई सी यानी इस दूरी की बात की जा रही, तो हम इसको लिख सकते हैं पी सी माइनस पी आई, तो पी सी में से अगर हम पी आई को घटा दें तो आई सी मिल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं पी सी माइनस पी आई, तो हमने यहाँ पर पी सी माइनस पी आई लिख लिया। अब यहाँ पर पी एफ, पी एफ को पी वैसे ही लिख दिया और उसके बाद में एफ आई, एफ आई को हम देख लेते हैं, एफ आई जो एफ आई है इसको हमें अगर लिखना हो तो हम लिख सकते हैं पी आई माइनस पी एफ, तो ये हम लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख लिया पी आई माइनस पी एफ, ये हो गया। अब इसके बाद में इन सभी का मान हमने यहाँ पर लिखा था ये, और इनका मान हम रख देंगे। तो हमारा जो पहला है वो है पी ओ, तो पी ओ बराबर यहाँ पर हमने लिखा था माइनस यू, तो हमने यहाँ पर माइनस यू लिख लिया। फिर माइनस लगा है, माइनस लगा है, और पी सी का मान वहाँ पर हमें निकला था माइनस आर, हमने माइनस आर लिख लिया और पी सी का मान हमने माइनस आर लिखा था जैसे यहाँ लिखा है ये लिख लिया। और उसके बाद में माइनस लगा है, माइनस लगा है, फिर माइनस बी पी आई का मान मिला था, हमने माइनस बी लिख लिया। उसके बाद में पी एफ का मान हमें मिला था माइनस एफ, ये भी लिख लिया। इसके बाद में पी आई का मान जो मिला था वो माइनस बी मिला था, इसे लिख लिया। फिर माइनस लगा है, माइनस लगाया, और पी एफ का मान जो मिला था माइनस एफ, इसको हमने लिख लिया। हाँ तो दोस्तों इसको हम हल कर लेंगे। सबसे पहले जब हल करेंगे तो ये जो आर है, तो हमने आर और एफ के रिलेशन में हमने पढ़ा था कि आर बराबर टू एफ, तो आर बराबर टू एफ जो था उसको हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो आर के स्थान पर टू एफ और यहाँ पर भी आर के स्थान पर टू एफ ले लेंगे। अब यहाँ पर माइनस है और माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आर के स्थान पर टू एफ कर लिया, यहाँ पर आर के स्थान पर टू एफ कर लिया और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये हो गया, अब इसका हम कैंची गुणा कर लेंगे। अब हम जब कैंची गुणा करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा, और गुणा जब करेंगे तो क्या होगा, इसका इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और ये यू भी हो जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस और प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होगा, टू एफ बी हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस और ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस हुआ और यू एफ यानी एफ यू लिख लेंगे इसको। उसके बाद में यहाँ पर प्लस और यहाँ पर प्लस, तो प्लस 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 हो गया और ये जो एफ है एफ है, तो ये और ये टू लिखने के बाद में एफ एफ, तो यानी कि एफ स्क्वायर हो जाएगा, इधर का हो गया। अब इसी प्रकार इधर का भी हो जाएगा, इसका माइनस माइनस प्लस हो गया, टू लिख लिया और एफ स्क्वायर हो गया। फिर इधर माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस हो गया और एफ बी हो गया, ये हो गया। इसके बाद में जब इसको हल करेंगे तो यू बी माइनस एफ बी माइनस एफ यू बराबर ये। अब इसका हम पक्षांतर करेंगे तो ये जो ये इतना है इसको हम इधर पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो एफ बी प्लस एफ यू बराबर यू बी हो जाएगा। तो दोस्तों अब हमें जो UB है, इस UB को हमें बनाना है यहाँ पर 1, तो UB को 1 बनाने के लिए हम दोनों पक्षों में UB से भाग कर देंगे। तो UB से भाग करेंगे तो हमें मिलेगा F अपान U प्लस F अपान V इजगल टू 1। अब हम यहाँ से F को कॉमन लेंगे और उसके बाद में हमें तब मिल जाएगा बराबर 1 के, और जब F को पक्षांतर कर देंगे तो हमारा सूत्र मिल जाएगा 1 अपान U प्लस 1 अपान B इजगल टू 1 अपान F। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक था वो था अवतल दर्पण के लिए सूत्र। तो दोस्तों आज की वीडियो आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना, और यदि लाइक कीजिएगा, और यदि आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, जिससे हमारी नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों यदि आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट से मिल
मिलना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो दोस्तों आप इंस्टाग्राम पर सर्च कीजिए गोविंद जायसवाल 8587 और वहाँ पर हम आप सभी को मिलेंगे। तो बस यहीं पर धन्यवाद, बाय बाय, आदाब।